हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ट्राई करते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग ही रहती है, तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्ले स्टोर की पेंडिंग से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी को अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद गाइज आपको ऊपर की तरफ अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना होगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे नीचे की तरफ अबाउट पे क्लिक करना होगा। अबाउट पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्ले स्टोर वर्जन, तो गाइज आपको यहाँ पे टैप करना होगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे टैप करना होगा, फिर गाइज आपको यहाँ पे दोबारा से टैप करना होगा 4-5 बार। उसके बाद गाइज आपका जो प्ले स्टोर है वो ऑटोमेटिक आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइज आप सभी को करना क्या होगा, उसके बाद गाइज आप सभी को अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा और गाइज आप सभी को यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करना होगा। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना होगा। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे सर्च कर लेना होगा गूगल प्ले सर्विस। अगर गाइज आपको यहाँ पे सर्च बार में कुछ देखने को नहीं मिलता तो आप सभी को सर्च करने से पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सो ऑल ऐप्स, तो गाइज आपको यहाँ पे सो ऑल ऐप्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे सर्च कर लेना होगा गूगल प्ले सर्विस। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विस हमारा ये सर्च आ चुका है। उसके बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे गाइज आप सभी को स्टोरेज पे क्लिक करना होगा। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद गाइज आप सभी को इसका क्लियर डाटा और क्लियर कैचे दोनों करना होगा। सबसे पहले गाइज आप सभी को यहाँ पे इसका क्लियर कैचे करना होगा। क्लियर कैचे करने के बाद गाइज आप सभी को दोबारा से क्लियर डाटा पे क्लिक करना होगा और गाइज आप सभी को यहाँ पे मैनेज स्पेस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे गाइज आप सभी को क्लियर ओल्ड डाटा पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे बैक आना होगा और गाइज बैक आने के बाद आप सभी को यहाँ पे ऐप परमिशंस पे क्लिक करना होगा और गाइज आप सभी को बारी बारी से सभी परमिशन को अलाउ कर लेना होगा। उसके बाद गाइज आप सभी को बैक आना होगा और बैक आने के बाद आप सभी को यहाँ पे सर्च कर लेना होगा गूगल प्ले स्टोर। प्ले स्टोर सर्च कर लेने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करना होगा और गाइज आप सभी को यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करना होगा। नीचे की तरफ गाइज आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना होगा और क्लियर कैचे पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद आप सभी को दोबारा से क्लियर डाटा पे क्लिक करना होगा और आप सभी को यहाँ पे क्लियर ओल्ड डाटा पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद आप सभी को यहाँ पे बैक आना होगा और आपको आप परमिशंस पे क्लिक करना होगा और सभी परमिशन को अलाउ कर देना होगा। सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद गाइज आप सभी को बैक आना होगा और गाइज आपको अपने मोबाइल के पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा और अपने मोबाइल को एक बार रिबूट कर लेना होगा। अगर गाइज आप सभी को अपने मोबाइल में रिबूट देखने को नहीं मिलता तो आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ भी कर सकते हो, उसके बाद गाइज आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। होप गाइज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।